डिंडोरी सिटी कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। उड़ीसा छत्तीसगढ़ से लग्जरी वाहन क्रेटा में भारी मात्रा में गांजा की तस्करी कर जबलपुर लेकर जा रहे दो आरोपियों को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक संजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्यवाही करते हुए नेशनल हाईवे जबलपुर अमरकंटक में घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 71.540 किलोग्राम गांजा जिसकी कीमत लगभग 7,15,400 रुपए तथा क्रेटा कर जिसकी कीमत लगभग 14 लाख है, आरोपियों के पास से नगदी सहित जब्त की गई है। घेराबंदी करके पकड़ा, रात की तलाशी लेने पर उसमें लगभग 71 किलो गांजा प्राप्त हुआ है और उसमें दो आरोपी अभी पुलिस के गिरफ्त में है। उनमें एक आरोपी लेकर रहने वाला है उमेश सिंह और एक विशाल है, ये कटनी के रहने वाले हैं। इन दोनों से पूछताछ की जा रही है और संभवतः इनके और भी साथियों के होने की संभावना है, जिस पर पुलिस उन्हें भी गिरफ्तार करके कार्रवाई करेगी। कहाँ से कहाँ ले जाए? अभी तक की पूछताछ में ये उड़ीसा से इन्होंने बताया है, उड़ीसा से छत्तीसगढ़ होते हुए ये गांजा लेकर आए थे और इसे उन्हें जबलपुर लेकर जाना था। लगभग कितनी कीमत का मार्केट वैल्यू कैलकुलेट किए क्या? 7,15,000 के लगभग। सर गांजे के साथ और भी कुछ बरामद हुआ है आरोपियों से? गांजे के साथ और भी कुछ बरामद हुआ है क्या आरोपियों से? नहीं, अभी तो गांजे का ही है और तलाशी में और कोई ऐसा संदिग्ध चीज या हथियार आदि नहीं प्राप्त हुए हैं। ये संभावित है कि इनके साथ और भी लोग रहे हों, क्योंकि उनके फोन की हमने वो किया जांच और उसमें लगातार संभावित है कि इनके साथ जो जाल साथी और होंगे, तो उनके संबंध में पूछताछ की जा रही है और उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। डिंडोरी से संदीप गोलिया की रिपोर्ट।